आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। ये भी एक बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत गंभीर रोग है, बहुत ही खतरनाक रोग है और इसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, बी सी हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, सी होता है, डी होता है, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक होता है ना वो होता है हेपेटाइटिस बी। सबसे डेंजर हेपेटाइटिस के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है? हेपेटाइटिस बी आती है। ठीक है, और इसका नाम जो है हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही होती है। इसका वायरस कौन है? हेपेटाइटिस वायरस है। ये क्या है? हेपेटाइटिस वायरस है। एक तो यहाँ पर ये कौन से वायरस से होता है? इस वायरस का नाम ही क्या है? हेपेटाइटिस वायरस है। क्या है? हेपेटाइटिस वायरस है। ठीक है, क्लियर है? कौन से वायरस से यह बीमारी होती है? हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा बीमारी होती है। और सबसे ज्यादा ये हमारे शरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है? ये लीवर को इफेक्ट करता है। किसको? लीवर को। लीवर मतलब होता है यकृत। किसको इफेक्ट करता है ये? हमारे किस अंग पे प्रभाव डालता है? लीवर पे प्रभाव डालता है। किस पे? लीवर। दो प्रकार के लीवर होते, ध्यान रखना। एक लीवर होता है उत्तोलक वाला, जैसे तराजू देखा है ना, पढ़ाया था ना सेवेंथ क्लास में। एक लीवर तो वो होता है उत्तोलक, बैलेंस करने के काम में आता है। और एक होता है लीवर यानी यकृत। क्या? यकृत। यकृत, ठीक है। इसी को हम जिगर भी बोलते हैं। क्या? जिगर। मतलब जिगरा होना चाहिए। इसका जितना मजबूत लीवर होगा ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र उतना ही स्ट्रांग होगा। समझ में आया? यानी कि दुनिया के लगभग जितने भी लोग बीमारी से ग्रसित है ना, उसका रास्ता यहीं से होके जाता है। होता ना, जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ है वो लगभग बीमारी से परेशान रहता ही है। और पाचन तंत्र को बेहतर कौन रखता है? हमारा लीवर। और हेपेटाइटिस बी क्या करता है? हमारे लीवर पे ही अटैक करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो किस पे अटैक करता है? हमारे लीवर पे या हमारे यकृत पे या जिगर पे। लीवर पे एक और चीज जान लो, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्लैंड, शरीर की बात की मैंने, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना, स्टार बना के नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो शरीर के किस अंग पे प्रभाव डालती है? लीवर पे, या हिंदी में बोले तो यकृत पे प्रभाव डालती है। और ये लीवर ही हमारी शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर अब इस रोग के छह प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की अगर बात करें, या टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कितने प्रकार होते हैं इसके? छह। छह प्रकार होते हैं। कितने? छह। ठीक है, पहला होता है ए बी सी डी ई और जी। ये हेपेटाइटिस ए कहलाता है। क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। इनके आगे हेपेटाइटिस लगा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो हेपेटाइटिस रोग कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के, जिसमें सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। ये सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस बोलते हैं जिसको। ठीक है, सबसे डेंजरस होता है कौन सा? टाइप बी। टाइप बी का जो हेपेटाइटिस होगा वो हमारे लिए या सबके लिए क्या है? बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और बी के वायरस पानी में पैदा होते हैं, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस ए और बी, ये और ये, हेपेटाइटिस ए और बी की ये जो दोनों वायरस हैं, ये किसमें पैदा होते हैं? पानी में पैदा होते हैं। किसमें पैदा होते हैं? पानी में। पानी में पैदा होते हैं, ध्यान रखना। इसका ग्राफ को अच्छे से बनाओगे तुम, ठीक है? मैंने इधर लिख दिया, नीचे जगह नहीं है, इन दोनों को करके नीचे स्पेस बना के दिखाना। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और बी के वायरस किसमें पैदा होते हैं? पानी में पैदा होते हैं। बल्कि बाकी जितने भी बचे हुए हैं ना, ध्यान से समझना, बाकी कितने बच्चे? चार बच्चे ना, ये रक्त के द्वारा संक्रमित होते हैं।
करते हैं, किसके द्वारा? ये चारों जो होते हैं ये ब्लड के द्वारा संक्रमण फैलाते हैं, किसके द्वारा? रक्त के द्वारा संक्रमित करते हैं, ये हमारे रक्त के द्वारा संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए और बी किसके द्वारा फैलाता है? पानी के द्वारा फैलाता है। तो ब्लड के द्वारा तो तभी इंसान ग्रसित होगा भाई जब किसी को चोट लगी हो और किसी का वो वायरस आपके उस घाव में चला जाए, तो ऐसे चांसेस तो कम होते हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जिससे हम घिरे हुए हैं, हमें अक्सर पानी में काम रहता है, हम नहाते भी हैं, पीते भी हैं, खेल भी लेते हैं, है ना। इसलिए इन दोनों वायरस का ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये किसके द्वारा संक्रमण फैलाते हैं? पानी के द्वारा संक्रमण फैलाते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो बाकी के चार बच गए ये किसके जरिए संक्रमण फैलाते हैं? रक्त के जरिए संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। अब इससे बचने के लिए भाई प्रभाव हमें पता चल गया कौन से वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे लीवर या जिगर को प्रभावित करता है। कितने प्रकार की ये बीमारी और टाइप होते हैं? छह टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए और बी जो होता है वो पानी के द्वारा संक्रमण को फैलाता है, बाकी के जो चारों बच गए वो रक्त के द्वारा संक्रमण को फैलाता है। और इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं? हेपेटाइटिस का टीका लगवाते हैं। किसका? हेपेटाइटिस का टीका लगता है। बचाव के लिए हम क्या करते हैं? बचाव के लिए क्या किया जाता है? किसका टीका लगता है? हेपेटाइटिस का टीका लगता है। ठीक है, किसका टीका लगता है? हेपेटाइटिस का टीका लगता है। टीके को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। किसका वैक्सीनेशन? किसकी वैक्सीन लगवाई जाती है? हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाई जाती है। कोरोना में वैक्सीन हुई थी ना, उसी वैक्सीन को टीका भी बोला जाता है, हिंदी में टीका, इंग्लिश में वैक्सीन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना चीज, समझ गए कि इसीलिए बोला जाता है कि पानी में बहुत साफ पानी नहीं, तुमको नहीं पता है वो पानी कैसा है, उस पानी में नहीं उतरना चाहिए, उस पानी से नहीं खेलना चाहिए, उस पानी को नहीं पीना चाहिए, समझ में आया। क्योंकि इन सब बीमारियों के होने का क्या रहता है? हमको खतरा रहता है, चांस रहता है। अब पता चल गया ना, वैसे ही कहीं से भी नहीं हो गंदा पानी, पता मतलब इसीलिए बोला था कि घर से अपना वाटर बॉटल लेकर आओ, कहीं बाहर जाओ अपना पानी खुद लेकर के जाओ, क्योंकि ऐसी बीमारियां जो बताओ पानी से ही फैल जाती हैं, ठीक है। और गंदे पानी से और कौन सी बीमारी होती है? कौन सा बैक्टीरियल बीमारी एक बताई थी दूषित पानी से होती, कौन सी होती है? कौन सी होती है दूषित पानी से? क्या हो जाता है हमको बताओ? दूषित पानी से, गंदे पानी से, कौन गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है? पक्का? यस सर। पक्का ना? यस सर। कि टाइफाइड? हैजा। दूषित भोजन खाने से, बासी खाना, गंदा खाना खाने से कौन सी बीमारी? समझ गए? टाइफाइड। और उसके बैक्टीरिया से तो होती है, लेकिन अगर आप कई दिन का खाना पड़ा हुआ है घर में उसको खा लोगे उससे क्या होगा? टाइफाइड होने के चांस हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं उसको हम? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस के बाद हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक वो बीमारी है और उसके बारे में बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये चीज हो गई, आगे बढ़े, सबसे हो गया। इसके बाद जो बीमारी आती है वो आती है रेबीज। कौन सी? रेबीज, ठीक है। इसके बाद जो बीमारी आती वो आती कौन सी? रेबीज। एक, और ये किसके द्वारा होती है? ये भी एक वायरस के ही द्वारा होती है। इससे पहले भी मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझाया था, किसके काटने की वजह से होती है ये? पागल कुत्तों के काटने की
वजह से। रेबीज में होता क्या है, रेबीज में जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसकी लार में ना रेबीज के वायरस होते हैं, इसमें टाइलिन में, लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइलिन। हमारे हमारे जीभ से लार निकलती है ना, उस लार को हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, ध्यान रखना ठीक है। और कुत्ते के मुंह में उसके टाइलिन में वो वायरस होता है, जब वो बाइट करता है आपको तो उसकी लार भी आपके घाव के साथ अंदर चली जाती है, कस्टे काटता है ना अंदर तक दांत घुसाता है ना, तो जो उसका टाइलिन होता है, लार होती है, वो आपके घाव से, घाव के द्वारा आपके बॉडी के अंदर चली जाती है, रक्त में मिल जाता है, जिसके द्वारा वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुसता है ठीक है, और फिर क्या फैला देता है, रेबीज। रेबीज को ही इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है, साइंटिफिक नेम बोल सकते हो या दूसरा नाम बोल सकते हो या घर का नाम बोल सकते हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रो नहीं हाइड्रो, हाइड्रो फोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ध्यान से समझना, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब समझ में आया, एक ऐसी बीमारी जिसमें किससे डर लगता है, पानी से। अगर आपको पागल कुत्ते ने काट लिया और उसमें रेबीज के वायरस आपकी बॉडी के अंदर चले गए इलाज ना होने की वजह से, तो आपको हो जाएगा रेबीज, और उसी रेबीज बीमारी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, और इस बीमारी में लगता है किससे डर, पानी से ठीक है, समझ में आया। और सिर्फ कुत्ते के ही काटने से नहीं, और भी ऐसे जानवर है जिनके काटने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन मेनली हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ यही ज्यादा मौजूद होते हैं कुत्ते, इस वजह से इनके काटने से ये बीमारी होती है। पहले कितने इंजेक्शन लगते थे, 14 सुइयां लगती थी पेट में, अब तो गरिमत है कि 3 कर दी गई, लेकिन उन तीनों इंजेक्शन को बहुत डार्क कर दिया गया, बहुत दर्द होता लगवाते वक्त, बंदर के काटने से भी हो जाता है, लोमड़ी के काटने से भी हो जाता है, तेरे होंठ में ही काट लिया, क्या कर रहा था तेरे, काट लिया किस कर रहा था, क्या कुत्ते को, फिर लूसी 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 कर रहा था, फिर लूसी ने काट लिया है, इंजेक्शन लगवाया था कि नहीं, कहाँ लगा था, कहाँ शरीर के किस हिस्से में लगा था, हाथ में लगा, हाथ में लगा, हाथ में लगने लगा, वो पहले पेट में लगाया जाता था ठीक है। तो पानी से डर लगता है रेबीज के अंदर ठीक है, और इनके कारण फैलता है, फैलाने वाले कौन कौन है इसमें ये ध्यान दो, फैलाने वाले कौन कौन से भाई, एक तो हो गया कुत्ता और लोमड़ी, और बताओ भेड़िया ठीक है, ये मेनली इन तीनों की वजह से आपको रेबीज हो सकता है। अब देखो लोमड़ी और भेड़िया तो ज्यादा नहीं दिखते ना हमारे, जहाँ इंसान रहते हैं वहां पर ये दो जीव बहुत कम पाए जाते क्योंकि जंगल में निवास करते ठीक है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा कौन रहता है, कुत्ते रहते हैं, जिसलिए हमको सबसे ज्यादा डर होता है रेबीज किनके कारण, कुत्तों के कारण होता है ठीक है। अब ये प्रभाव कहाँ करते हैं, हमारे शरीर के किन हिस्सों में प्रभाव करते हैं, ये भी हमारे CNS पे प्रभाव करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं जिसको हम, तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं जिसको हम, है सपना क्या है, क्या चीज है यहाँ पर, किसको प्रभाव करता है, सेंट्रल तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तो किसको, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं या जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र ठीक है, जो हमारा दिमाग का पूरा हिस्सा है ना, जो ब्रेन को चला रहा है पूरा हिस्सा, हमारे दिमाग को चला रहा है, जो हमारे शरीर को चला रहा है, उस सिस्टम को क्या करता है ये वायरस, उसी पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें पागलपन जैसे लक्षण, जैसे कुत्ता क्या होता है, कुत्ता पागल पागल हो जाता है ना, इन्हीं वायरस की वजह से वो कुत्ता पागल होता है,
अक्सर गर्मियों में देखा हो कुत्ते पागल हो जाते हैं, इन्हीं वायरस की वजह से वो कुत्ते भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, या किसी और रीजन से वो कुत्ते पागल हो गए। वो वायरस आपकी बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचा, आपके तंत्रिका तंत्र पर सीधे आक्रमण करेगा, कहाँ तंत्रिका तंत्र में सीधे आक्रमण करेगा और पूरे ब्रेन को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इंसान पागल कब होता है, जब उसकी वायरिंग कट जाए कहीं से, शॉर्ट सर्किट होता है ना, है ना। जैसे मान लीजिए पूरा लाइट चल रही है, यहाँ पे फैन चल रहा है, कनेक्शन है, इसका मेन ब्रेन कहाँ पर है, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर लगा है ना मीटर, है ना, मेन ब्रेन है ना इस पूरे कैंपस का। अगर वहीं से कोई गड़बड़ी हो, आग वोग लग जाए या शॉर्ट एक तार कट जाए, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, चलने में दिक्कत होगी ना इसको। वैसे ही हमारा ब्रेन में भी जो वायरिंग्स होती हैं, पूरी जो नर्व्स होती है, पूरा जाके ब्रेन में अटैक कर देता है, ब्रेन काम करना बंद नहीं करता, गलत तरीके से काम करने लगता है। आप कुत्ते की जैसे हरकतें करवाएगा वायरस, जैसे कुत्ता हरकतें करता है ना, वैसी हरकतें करने लग जाओगे, एक जानवर की तरह बिहेव करोगे, पानी आते ही पानी डरोगे। जैसे कभी गए हो कुत्ते को अगर पानी के पास ले तो बड़ी तेज छटकता है, है ना, किसी बच्चे किसी भी जानवर को तालाब के पास ले गए हो, अभी गाय के बच्चे को ले जाओ नहलाने के, देखो कैसे कूदता है, ठीक है, वैसे पानी देखते वैसे डरोगे तुम। इसीलिए इसको, इस बीमारी का नाम क्या दिया गया, हाइड्रोफोबिया दिया गया है, ठीक है। ये वायरस बहुत खतरनाक होता है, ये सीधे हमारे दिमाग पर, हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। लोग क्या समझते हैं, पहले क्या होता था, पहले लोग समझते भूत पकड़ ली, हाँ होता क्या था, लोगों को इन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं था, तुम लोगों को भी तो नहीं पता था ना। अब ऐसे मान लो कुत्ते ने काट लिया, तुमने सुई नहीं लगवाई, कुछ हुआ नहीं, कुछ दिन बाद वो वायरस अपना असर दिखाना शुरू किया, घर वाले क्या सोचेंगे, पढ़े लिखे नहीं है, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, बाबा के पास ले जाएंगे, ओझा के पास लेंगे, एक समय ऐसा आएगा वो पूरी तरीके से पागल कर देगा, बड़ी खतरनाक और दर्दनाक मौत होती है इसमें, समझ लो, उससे ज्यादा घर वाले परेशान होते हैं। सोचो जिसको भी ये वायरस पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता होगा, उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका घर का कोई भी सदस्य एकदम पागलों की तरह हरकत कर रहा है, पानी से डर रहा है, लार चुबा रहा है, कुत्तों की तरह खा रहा है, मुंह से खाने लग जाता है हाथ की बजाय, तो क्या बीतती होगी। ये सब चीजें तो इंसान यही ना सोचेगा कि उसके बाद भूत प्रेत पकड़ लिया है और ओझा बाबा के पास इलाज कराने से क्या हो जाती है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए आप लोग अवेयर रहो कि सारी बीमारियां जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को पता रहेगी तो आप अपने घर परिवार आसपास मोहल्ले वालों को भी उनको अवेयर कर पाओगे। सरकार भी देखो अभी महीना पूरा संचारी रोग के बारे में चला रही है ना, अभियान चला रही है, पता होना चाहिए तुम लोगों को कि ये बीमारियां कितनी खतरनाक है, कैसे होती, उन चीजों से क्या रहोगे, बच के रहोगे। अब तुम्हें पता चल गया कि मोहल्ले में पागल कुत्ता घूम रहा है, निकलोगे बाहर नहीं निकलोगी, समझ आया, क्योंकि तुमको पता चल गया कि भैया पागल कुत्ते की लार में क्या होता है, टाइलेट में क्या होता है, रेबीज के वायरस होते हैं, अगर गलती से भी काट लिया कहानी लग जाएगी। क्लियर हुआ, रेबीज वायरस का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है, हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है, हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ठीक है, ध्यान रखना, फोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी पानी से डरता है इंसान अगर उसको काट लेता है तो, कुत्ता भी डरेगा पानी से अगर वो पागल हो गया है तो, ध्यान रखना, वो भी पानी से बहुत भागेगा, उसको पानी दिखाओगे तो दूर भागने लग जाएगा, ठीक है। फिर क्लियर हो गया, और इसका जो टीका लगता है उसको बोलते हैं एंटी रेबीज, क्या बोलते हैं, इसका उपचार क्या है भाई, उपचार क्या है इसका, प्रभाव तो समझ गए, उपचार क्या है, उपचार है एंटी रेबीज का टीका, एंटी रेबीज, आंटी मत पढ़ लेना इसको, ये क्या है, एंटी रेबीज का टीका लगता है, ठीक है, इसकी वैक्सीन लगाई जाती है एंटी रेबीज की। आंटी से याद रख सकते हो, अगर भूल जाओ आंटी शब्द से याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई बोल के तुमसे पूछे तो एंटी पढ़ना, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर लिख कर होना तो एक आंटी शब्द दिमाग में याद रखना, आंटी रेबीज है, ठीक है। तो एंटी रेबीज के टीके से ये
ठीक हो सकता है। और इस रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एंटी रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्टर। बेटा देश हो गया? यस सर। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्या रेबीज के टीके की खोज किसने की भैया? लुईस पास्टर। किसने की थी? लुईस पास्टर। लुई पास्टर भी बोल सकते हैं, लुईस पास्टर भी उनका नाम है, ठीक है, दोनों बुलाते हैं। क्लियर हो गया इतना? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और इनको रिवाइज करते चलो। अपने घर वालों को भी बताओ साथ में, हमारे घर वालों को भी तो नहीं पता है ना, डिस्कशन किया करो, बोला करो, बताया करो, मम्मी है पापा है बैठे हैं, बातचीत हो रही, वहां बताओ पापा आज हमने क्या पढ़ा, पता सर ने बताया कि रेबीज कुत्तों के द्वारा फैलती पागल कुत्ते की लार में एक टाइलिन होता है, या लार को हम टाइलिन बोलते हैं, उसमें उसके वायरस होते हैं। अगर पागल कुत्ता भाई, तुम्हारे मम्मी पापा भी तो बाहर जाते रहते हैं, तुम बचे हो, तुमको तो पता है, उनको तो नहीं पता है ना, अगर बताओगे तो वो भी सावधान होकर के जाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना। ये सारी चीजें अपने घर वालों से भी डिस्कस किया करो, जो भी पढ़ा करो, यहाँ पर जितनी भी नई चीजें पढ़ते हो, तुमको लगता है कि हमारे मम्मी पापा को नहीं पता होगा, छोटे भाई बहनों को नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंट चीजें वो उनसे क्या करनी है, डिस्कस करनी है, उनको बतानी, भले वो माने या ना माने, समझे या ना समझे, उनको समझाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, ठीक है, समझ में आया। और उनको समझाने से तुमको वो चीजें क्या हो जाएंगी, और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। इसके बाद आता है हमारा गलसुआ या मम्स। इसके बाद कौन सी बीमारी आती है? मम्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मम्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, गलसुआ या गलसुआ, जो भी पढ़ लो, ठीक है। और ये इस वायरस का भी नाम है मम्स, इसके भी वायरस का ही नाम क्या है, इसी के नाम से है, मम्स वायरस से फैलता है, इसके वायरस का क्या नाम है? मम्स। ठीक है, कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? ये मम्स वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। और ये किसको प्रभावित करता है, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभाव डालता है? शरीर की टाइलिन ग्लैंड्स को प्रभाव करता है, या लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, हमारे किसको प्रभावित करता है? लार ग्रंथियों। प्रभावित करता है लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, टाइलिन ग्लैंड्स, ठीक है। ग्रंथियों क्या बोलते हैं हम, ग्रंथियों का इंग्लिश में नाम क्या है? ग्लैंड्स। क्या है? ग्लैंड्स। लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा ये करता है पैरोटिड ग्लैंड को, हमारे चलो देखो ध्यान समझो, ये जो हमारा मम्स है, गलसुआ है, अभी क्या बताया मैंने, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है ब्रेन में नहीं होती है, आपके फ्रंट ऑफ ईच ईयर्स, आपके कान के दोनों कान के सामने होती है, कि हाँ एक यहाँ, और यही पैरोटिड ग्रंथि ही आपके लार या टाइलिन निकालने में क्या करती है? मदद करती है, सहायता करती है, ठीक है। और ये जो वायरस होते हैं, मम्स के वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो मम्स वायरस होता है ये इन ग्रंथियों पे क्या कर देता है? अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आपके लार सूखने लग जाती है और ये ग्रंथियां सूज जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्वेलिंग बोलते हैं जिसको, सूजन को क्या बोलते हैं? स्वेलिंग, बताया था ना। ये ग्रंथि, इन ग्रंथियों पे कौन सी ग्रंथि है? पैरोटिड ग्रंथि है। ये ग्रंथियां क्या होती हैं? सूज जाती हैं, यहाँ पर आपके फूल जाएगा, ये पूरा पूरा क्या होगा, सूजन आ जाएगा, इसीलिए इसको गलसुआ बोलते हैं। गाल होते हैं ना हमारे, गाल, और सुआ मतलब फूल गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गलसुआ, गलसुआ या गलसुआ, ठीक है, या मम्स बोलते हैं। और इन्हीं में सूजन आने की वजह से काफी तकलीफ होती है आपको, ठीक है। तो कौन सी ग्रंथि में सूजन आ जाती है?
कैरोटिड ग्रंथि में, इस ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ध्यान रखना क्या आ जाती है, सूजन आती है। क्यों आती, क्योंकि वो वायरस उस पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से ये ग्रंथि प्रभावित हो जाती है और हमारे गलसुए हो जाते हैं, फूल जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए इसको मम्स बोला जाता है। और इससे बचाव के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, टीका और इंजेक्शन में अंतर है, ध्यान रखना, वो भी सुई की तरह लगता है ना दोनों, लेकिन टीका अलग है, वैक्सीनेशन अलग है और इंजेक्शन अलग चीज होती है। तो इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं टेरामाइसिन, क्या बोलते हैं, टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे यह बीमारी सही हो जाती है, ठीक है, और खतरनाक बीमारी नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी ये होती है, ठीक है। तो इससे बचाव के लिए क्या लगाते हैं, इंजेक्शन, बचाव के लिए, उपचार के लिए, इसके लिए उपचार के लिए हम क्या करते हैं, टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, किसका, टेरामाइसिन का इंजेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेरामाइसिन, ठीक है। तो मम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गलसुआ, इसके वायरस का क्या नाम है, वायरस का, कौन से वायरस से फैलता है ये, मम्स वायरस से ही फैलता है, और किस किस अंग को प्रभावित करता है ये, हमारी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, लार ग्रंथियों को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं, टाइलिन, लार को टाइलिन बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन लार ग्रंथियों का इंग्लिश में नाम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स, क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स में ही एक ग्लैंड होती है, ये वायरस किस ग्लैंड पर अटैक करता है, पैरोटिड ग्लैंड पर अटैक करता है, किस पे, पैरोटिड ग्रंथि पर अटैक करता है, जिसकी वजह से, और पैरोटिड ग्रंथियां कहां होती है, हमारे फ्रंट ऑफ द ईयर, कान के सामने वाले हिस्से में दो साइड पे होती है, ठीक है, और इसके प्रभाव से क्या होता है, ये ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और इससे बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, हो गया, आगे बढ़े, लिख लिया इसको, अभी चेक करेंगे सबकी रफ, किसने लिखा किसने नहीं लिखा, फिर इसके बाद होगी कहानी। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जापानी इंसेफ्लाइटिस, कौन सा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, 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 बातें नहीं, जापानी इंसेफ्लाइटिस, पता है ना, ये भारत देश से उपजी हुई एक बीमारी है, भारत देश के किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से, गोरखपुर से, बताया था ना, ये बीमारी कहाँ से पनपी, गोरखपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, बहुत ही भयानक बीमारी है, बच्चों में होने वाली ये एक बीमारी है भाई, बहुत बच्चे मर गए, कई सौ बच्चे हर साल इस बीमारी की वजह से गोरखपुर में मर जाते हैं, ठीक है। अब आर्बो वायरस बोलते हैं, किस वायरस से होती है, आर्बो वायरस से, इससे कौन सी, ये कौन से वायरस के द्वारा फैलती है, आर्बो वायरस के द्वारा फैलती है, किसके द्वारा, आर्बो वायरस के द्वारा फैलने वाली ये बीमारी है जिसका नाम है इंसेफ्लाइटिस, क्या नाम है, इंसेफ्लाइटिस, और ये कहाँ से निकली, गोरखपुर में पनपी हुई बीमारी है, गोरखपुर कौन से राज्य में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश कौन से देश के अंदर है, भारत देश के अंदर है, सही है, हाँ भारत देश के अंदर ही है, ठीक है। और यह वायरस क्यूलेक्स मच्छरों में पाया जाता है, कहाँ, एक मच्छर की प्रजाति होती है जिसका नाम है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, आज घर पे जाना सर्च करना अपने फोन पे, क्यूलेक्स मच्छर दिखता कैसे है, ठीक है, डालना इमेजेस ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो या क्यूलेक्स मच्छर बोल देना उस पे, वो उसकी पूरी पिक्चर आ जाएगी, पता तो चले कैसा दिखता है वो, ठीक है।
कौन से मच्छर के द्वारा फैलती है ये? इसका जो संक्रमण है, संक्रमण का कारण क्या है? संक्रमण का कारण क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर। कौन फैलाता है इस बीमारी को? एक मच्छर फैलाता है जिसका नाम है क्यूलेक्स, यानी जो ऑर्गो वायरस है किसके अंदर पाया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर के अंदर पाया जाता है। ऑर्गो वायरस किसके अंदर पाया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर। ऑर्गो वायरस किसके अंदर पाया जाता है? क्यूलेक्स। इन जापानी इंसेफ्लाइटिस किस वायरस के द्वारा होती है? ऑर्गो वायरस के द्वारा। और ऑर्गो वायरस किस मच्छर के अंदर पाया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर के अंदर पाया जाता है। अब ये प्रभाव क्या करता है, ये वायरस का प्रभाव क्या है? ये वायरस जब मच्छर, वो मच्छर जब आपको बाइट करेगा, आपको काटेगा, ठीक है, कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर अगर आपको काटेगा तो इसके वायरस कहाँ पहुंच जाते हैं? धीरे 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 आपके दिमाग में। इसीलिए इसको दिमागी बुखार भी लोग समझ लेते हैं, समझ में आया? और एक हिसाब से है भी वो, लेकिन दूसरे टाइप का दिमागी बुखार है। तो ये वायरस कहाँ पहुंच जाता है? आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में पहुंचने के बाद क्या काम करता है? टिश्यूज होते हैं ना हमारी बॉडी में, बॉडी में टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज से पहले क्या बनता है शरीर में? कोशिका बनती थी, वो ढेर सारी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं टिश्यूज। ये वायरस उन्हीं ऊतकों को नष्ट कर देता है, हमारे दिमाग के जो टिश्यूज हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, समझ में आया? इसीलिए बच्चों की मौत होती है, दिमाग के ऊतकों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी हमारे मस्तिष्क के ऊतकों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन नष्ट करता है? क्यूलेक्स मच्छर के, क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाने वाला अर्बो वायरस। अर्बो वायरस जो होता है वो क्या करता है भाई? वो हमारे दिमाग के, मस्तिष्क के ऊतकों को या टिश्यूज को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आ जाओ, ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे लक्षण पाए जाते हैं? बहुत तेज सर में दर्द होगा, क्या होगा? सर में बहुत तेज दर्द होगा, सिर दर्द होगा, कैसा दर्द होगा? तेज सिर दर्द होगा, और क्या होगा? तेज बुखार होगा, शरीर ऐठने लग जाता है, क्या हो जाता है? पूरी शरीर में क्या हो जाती है? ऐठन हो जाती है, क्या हो जाती है? ऐठन हो जाती है, पूरी बॉडी अकड़ने लग जाती है, ठीक है, और क्या होता है? तथा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, मस्तिष्क क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? फेल। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? फेल। साइकिल चलाई कभी? साइकिल चलाते चलाते चला रहे अचानक चेन निष्क्रिय हो जाती है, फेल हो जाती है एकदम, चाहे जितनी पैडल मारोगे फिर क्या पहिया घूमेगा? जब दिमाग निष्क्रिय हो गया तो शरीर में कुछ बचा? एकदम समाप्ति की ओर पहुंच जाता है, ठीक है। और क्या है? हमारा मस्तिष्क कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मस्तिष्क क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है नहीं? मस्तिष्क क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। आप समझ रहे हो ना? सब दिख रहा है सही से? ठीक है, मस्तिष्क क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। और इस रोग की भी एक वैक्सीन बनी है, क्या बनी है? टीका बना है, वैक्सीन बनी है, जिसका नाम है जेई वैक्सीन। क्या? जेई वैक्सीन, जेई वैक्सीन, जिसका जो टीका है वो क्या है? क्या है टीका? जेई, ठीक है, ध्यान रखते हैं। काहे का टीका लगाया जाता है? जेई का टीका लगाया जाता है, बस इतना ही है। सो जापानी इंसेफ्लाइटिस
एक बहुत ही खतरनाक गंभीर बीमारी है जो किसमें होती है, किनको होती है, बच्चों को होती है। 14 साल से कम के बच्चों को ज्यादातर हुई है बीमारी। ढेरों बच्चे गोरखपुर में इससे प्रभावित हुए जिसके कारण उनकी जान चली गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस किस वायरस के द्वारा होती है? आर्गो वायरस। कहाँ पाया जाता है? क्यूलेक्स बच्चा के अंदर पाया जाता है। जब ये क्यूलेक्स बच्चा हमको बाइट करता है तो ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है खून के माध्यम से, और फिर कहाँ पहुँच जाता है? सीधे हमारे मस्तिष्क में पहुँच जाता है। मस्तिष्क में पहुँच के क्या काम निकलता है? ये मस्तिष्क कैसे वायरस पहुंचा तो मस्तिष्क को निष्क्रिय कैसे किया? क्योंकि वो क्या कर देता है? उसके ऊतकों को नष्ट कर देता है मस्तिष्क के, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? हमारा दिमाग पूरी तरीके से फेल हो जाता है। मस्तिष्क हमारा क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके लक्षण क्या क्या होंगे, कैसे पता चलेगा हमको कि हमको वही मच्छर काट दिया? सर में बहुत तेज दर्द होगा, बॉडी पूरी बुखार, इतना तेज बुखार होगा कि आप कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, शरीर ऐंठने लग जाएगा, और सबसे ज्यादा दिमाग भनभनाता है पूरी तरीके से। कुछ काम भाई, जब ऊतक नष्ट होंगे तो जब तुम्हारे शरीर को अगर कोई खाने लगे अंदर से, बाहर से भी अगर कोई तुमको खाए तो तुमको पता चलता है। अब अंदर से अगर ऊतक नष्ट हो रहे हैं तो अंदर से चिड़चिड़ाहट पता चलेगा ना, वो लक्षण है, झिझलाहट होने लगी, वही ऐंठन करता है। जब जब ऊतक नष्ट होंगे आपकी पूरी शरीर क्या होगी? ऐंठने लग जाएगी, या तुम लोग क्या बोलते हो देसी लैंग्वेज में, बररने लग जाएगी, बररने लग है, क्या बोलते तुम लोग? ज्यादा बरर ना, नहीं तो यही सुधार दे ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम चिकनगुनिया, तो पढ़ा चुका हूँ चिकनगुनिया के बारे में, पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। किस मच्छर के काटने से होता चिकनगुनिया? टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो का नाम क्या है? एडीज एग्जिप्टी, है ना। ये वायरस के द्वारा फैलते हैं, लेकिन मलेरिया किसके द्वारा फैल रहा था? प्रोटोजोआ के कारण फैल रहा था, लेकिन चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये किसके कारण फैलते हैं? एडीज एग्जिप्टी मच्छर के कारण फैलते हैं, जिनको हम उस मच्छर को और किस नाम से जानते हैं? टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते है। ठीक है, फिर एक लास्ट में है तुम्हारा हेलमिंस होगा, आखिरी हेलमिंस। कृमि रोग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कृमि रोग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाते हैं इसको। ये हो गया, रख दिया है। इसके बाद जो डेंगू और चिकनगुनिया को पढ़ा दिया ना मैंने, येलो फीवर, इनके बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लिखने की जरूरत तो है नहीं, लिख रखा है तुम लोगों ने। ठीक है, फिर अब आ जाओ इस पे, हेलमेंट्स क्या बोलते हैं? ये अब वायरस से नहीं होता, ध्यान रखना, वायरस की कहानी हो गई खत्म। वायरस पे चिकनगुनिया और डेंगू था हमारा, एक येलो फीवर था, तीनों के बारे में शुरू में पढ़ा दिए। अभी ये एक पार्ट बचा हुआ है, हेलमिंस एक कारण होता है जिसके कारण हमें कुछ बीमारियां होती हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय हेलमिंस, क्या कॉज्ड बाय हेलमिंस? ये वायरस का काम खत्म है यहाँ। हेलमिंस, ठीक है, कॉज्ड बाय हेलमिंस, यानी हेलमिंस के कारण फैलने वाली बीमारियां। किसके कारण फैलने वाले रोग? हेलमिंस के कारण फैलने वाले रोग। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, सब तीन प्रकार के रोग होते हैं। हेलमिंस के कारण कितने प्रकार के रोग होते हैं? तीन प्रकार के रोग होते हैं, ध्यान रखना। पहला है हमारा राउंड वॉर्म, क्या राउंड वॉर्म? ठीक है, दूसरा है हमारा, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम वॉर्म इंफेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वॉर्म इंफेक्शन, वॉर्म इंफेक्शन। हेलमिंस के कारण जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वॉर्म इंफेक्शन, क्योंकि ये वॉर्म के द्वारा फैलती है। ठीक है, इसके द्वारा वॉर्म के द्वारा कीड़े टाइप के होते हैं कुछ, ठीक है, अभी बताएंगे इनको।
तो राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म को ही बोलते हैं हम स्कैरिस। क्या बोलते हैं स्कैरिस? क्या बोलते हैं स्कैरियासिस? क्या बोलते हैं स्कैरियासिस? ठीक। फिर दूसरा होता है हमारा टेप वॉर्म। क्या? और इसको टाइनियासिस बोलते हैं। टेप वॉर्म होता है। क्या होता है दूसरा? होता है कौन सा? टेप वॉर्म होता है, जिसको हम और क्या बोलते हैं? टाइनियासिस। क्या बोलते हैं? टाइनियासिस या टाइनियासिस। टै बोल जाता है ना, टै। टै बोलना, टाइनियासिस। क्या? टाइनियासिस। ठीक है, इसी को हम टेप वॉर्म बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा फाइलेरियासिस। क्या? फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस या इसको हम और क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। इसी को हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। है ना, पैर बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। नीचे वाला भी हिस्सा होता है हाथी का, पैर देखा नीचे गोल होता मोटा सा, ऐसे पैर हो जाते हैं इंसान के। इनकी वजह से भी खतरनाक बीमारियां हल्की फुल्की नहीं है। ठीक है, ये इसलिए जानना तो वाले जरूरी है। अब देखो, ये जो राउंड वॉर्म होता है ना, ये गोल होता है। कैसा होता है? गोल। और टेप वॉर्म कैसा होता है? देखो, राउंड वॉर्म को तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म कैसा दिखेगा? ऐसा, फिर ऐसे एक दूसरे से जुड़ा होगा। टेप का मतलब क्या होता है? जोड़ना है ना। कीड़े होते हैं, ये शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं बताता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? हाथी पांव तुमने देखा, उसका पैर इंसान का कैसे हो जाता है? ऐसे मोटा सा हो जाएगा पैर, बहुत छोटे मोटे पैर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ देखा होगा तुम लोगों ने अक्सर, बहुत मोटे पैर। राउंड वॉर्म में क्या होता है? पेट के अंदर आपके कीड़े हो जाते हैं। अब ये पहुंचते कैसे बॉडी के अंदर? तुम लोगों ने सुना होगा पेट से सांप निकला, सुना है? एक न्यूज चल रही थी बहुत दिन पहले, बच्चा बोलता मेरे पेट के अंदर सांप है, डंक मारता है, बहुत दर्द होता है। दर्द तो हो गए भाई, उसके अंदर अगर एक बड़ा सा वॉर्म है, वो वॉर्म बड़े कैसे होते हैं? धीरे धीरे आप ही के शरीर का भोजन खा खा के जो आप खा रहे हो वो खा जाते हैं। ठीक है, क्या होता है फिर? बड़े होने लगते हैं पेट के अंदर, बड़े बड़े कीड़े केचुए की तरह इतने बड़े बड़े हो जाते हैं पेट के अंदर। और लोग क्या समझ लेते हैं? सांप हो गया हमने हमारा, उसके पेट में सांप कहाँ से पहुंच जाएगा? ठीक है, तो ये भ्रांति है, गलती में मत रहना कि आपके पेट के अंदर सांप पनप जाता है। वो क्या होते हैं? वॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? वॉर्म होते हैं। जब भी आप बाथरूम जाते हो या वॉशरूम जाते हो, किसी गंदी जगहों पर नंगे पैर पहुंच जाते हो, ये अक्सर, ये जितने भी वॉर्म है ये अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? गंदी जगहों पर, जैसे बाथरूम हो गया, आपके घर का ही बाथरूम हो गया, वहां भी मिलते हैं। अब वहां नंगे पैर चले गए, बोला जाता ना कि चप्पल पहन के जाओ, बाथरूम साफ सुथरा इसीलिए रखा जाना चाहिए। आप नंगे पैर चले गए तो आपके, जैसे यहाँ पर अपने हाथ में देखोगे कि छोटे छोटे क्या है, कट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? पसीना यहाँ से भी आता है ना। अब पसीना अगर अंदर से बाहर निकला उनका छेद है, ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हीं छेद के द्वारा पैर से आपके घुस जाते हैं। बाथरूम में नंगे पैर पहुंचे, घुस गए। अब एक पहुंच गया, एक से दो, दो से चार, वो बढ़ते 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 इतने बड़े से वो बढ़ते बढ़ते बड़ा सा टेप वॉर्म होता है। एक से दो ऐसे घूमते चले जाते, बड़ा सा लंबा सा रस्सी की तरह हो जाता है। और फिर वो ऐसे ही निकलता है, फ्रेश होने गया, पतला अचानक से निकल आया, तुम और सांप कहाँ से निकला ये पेट के अंदर, डर गए। समझ में आया? ये क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं। इनसे बहुत बच, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना गंदी जगहों पर नंगे पैर नहीं जाना। इसीलिए बोला जाता है आपको कि कभी भी आप शौच जाओ, वॉशरूम वगैरह जाओ, हाथ पैर सब अच्छे से क्या कर लेंगे, रगड़ के। मान लो चिपक ही गया वो, तुरंत घुस नहीं जाएगा, चिपका रहेगा, तो आपने साफ सुथरा कर लिया, वो बाहर हो गया। ये सारी बीमारियां आपके आसपास घूमती, जितनी भी मैंने पढ़ाई है, इनसे बच के रहना। ये चीज पता चली ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बाद से कभी नंगे पैर नहीं जाओगे वॉशरूम। समझ में आया? तो ये तीनों बहुत, ये बहुत आसानी से लोगों को कैप्चर कर सकती है, क्योंकि ये आसपास ही घूम रही बीमारियां हैं। ये बड़े प्यार से उसको ग्रहण कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो बीमारियां हमको हो सकती है। तो आप आज से नंगे पैर जाओगे वॉशरूम, अपने घर का वॉशरूम साफ रखोगे ना, ताकि अगर उसमें है भी वो टेप वॉर्म तो निपटा दो उसको, किससे? ढेर सारे टॉयलेट क्लीनर आते हैं, उनसे साफ सुथरा करके रखा दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर हम बात करें
एक पॉइंट और बचा है बस इसमें, ये हो गया। आगे बढ़े, इतनी जानकारी इनके रखो। इसके बाद एक पॉइंट और तुम्हारा बचा कम्युनिकेबल डिजीज में बस, इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल गैर संचारी रोग पड़ेगा ये क्लास में। अब है तुम्हारा क्या, कॉज्ड बाई फंगी या कवक, जो पांचवा प्रकार है ना रोग, पांच प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज बताए थे ना फैलते हैं। चौथा प्रकार क्या बताया अभी, हेलमेट्स के कारण, जिसके कारण वो तीनों बीमारियां हुई, कौन कौन सी होगी, टेप वार्म हो गया, राउंड वार्म हो गया और फाइलेरिया हो गया, है ना। अब पांचवा आखिरी प्रकार है जिसके द्वारा संक्रामक रोग होता है, जिसके द्वारा संक्रामक रोग होता है, वो पांचवा आखिरी प्रकार है हमारा फंगी। क्या है? फंगी। फंगी जिसको हम बोलते हैं कवक, या और क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां फंगस के द्वारा होती है, तो एक कोड याद कर लो, उस कोड का नाम है, उसने बताया ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या था? गंजा दामाद खाए फ्रूट। इतना याद कर सकते हो ना, इतना याद कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो किसके द्वारा होती हैं, फंगी के द्वारा। कैसे? हम लिखेंगे पहले क्या, गंजा, फिर क्या था, दामाद, फिर क्या था, खाए, फिर क्या था, फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक। गंजा से क्या हो गया, यानी कि जो फफूंद होती है ये कहीं पे भी लग गई, अगर ये हमारे बालों में लग गई तो हमको क्या कर देगी, इस बीमारी से क्या होता है, गंजापन होता है, ध्यान रखना। इसलिए हमेशा नहाना चाहिए, अपने बाल को समय समय से, लड़कियों के बाल जो झड़ते हैं ना, तो 10 दिन में एक बार धुलती है ना, फफूंद लग जाती है, ध्यान रखना। कम से कम 2-3 दिन में बाल धुल लिया करो, 10-10 दिन, 15-15 दिन बाल नहीं धुलते, ये देख धुली है, हाँ कायदे से डेली धुलना चाहिए, ठीक है। गंजापन हो जाएगा, आपके बाल जो झड़ने लगते हैं ना, गंजे होने लग जाते हो ना, किसके कारण, फंगी के कारण, ठीक है। दूसरा दामाद, दामाद कर, दूसरा इसके कारण क्या होता है, दामाद से दमा याद रखो, दामाद से दमा, दामाद से दमा, दा से क्या, दमा, दा से दमा, क्या है, एक बीमारी है, सांस उल्टी चलने लगती है ना, किसके कारण होती दमा की बीमारी, फंगस के कारण होती, फफूंद के कारण होती है। जब आपके फेफड़ों में क्या हो जाए, फफूंद लग जाएगी, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, दमा की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। जितने लोगों को भी दमा की बीमारी है, वो किसके कारण फैलती है, फंगस के कारण या कवक के कारण फैलती है, ठीक है। फिर आखिरी वाले, आखिरी वाले दा से क्या होगा, इससे होगा दाद, क्या होगा, दाद, दाद सुना है, आपकी स्किन पे ही गोल गोल हो जाता है, छोटे छोटे फूल आता है, खुजलाता है, तो इसी को बोलते हैं दाद। अब दाद को ही बोलते हैं इंग्लिश में हम रिंग वॉर्म, क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म, ठीक है। गंजा का मतलब हो गया कि फफूंद से क्या होगा, गंजापन हो जाएगा। दमाद में पहले दा से क्या हो जाएगी, दमा की बीमारी हो जाती है, किसके कारण, फफूंद के कारण। फिर आखिरी में दा से क्या हो जाएगा, रिंग वॉर्म हो जाता है, क्लियर हुआ। फिर खाए है, तो इस खा से क्या होगा, खाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाज, खुजली बोलते हैं जिसको, खाज खुजली, ठीक है। दाद अलग है, खाज खुजली अलग होती है, इसमें पूरे शरीर में, इसमें तो क्या छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं दाद में, ये पूरे शरीर में ही आपके खुज, ये जहाँ जहाँ चकत्ता पड़ेगा वहीं खुजलाएगा दाद में, लेकिन खाज खुजली हो गई तो सब जैसे अंदर है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ खुजली है भाई, खुजली है, देखा ना, ये इधर भी होती है, वो उधर भी होती है, खुजलाते फिरोगे फिर, किसकी वजह से होती है, फफूंद कब लगेगी, बासी चीजों में ना, यानी कि तुम्हारे शरीर में फफूंद कब लगेगी, जब तुम बासी हो जाओ, बासी कब होगी, जब नहाओगे नहीं, धोओगे नहीं, क्या होगा, बासी हो जाओगे, बासी हो जाओगे तो क्या लग जाएगी शरीर में, फफूंद लग गई, सर में लग गई तो क्या हो जाओगे, गंजे, ठीक है। हाथ वाथ में हो गई तो क्या हो जाएगा, दमा, फेफड़े में लग गई अंदर से, यानी आप सही से एक्सरसाइज नहीं करते हो, सांस ढंग से नहीं लेते हो,
खुली हवा में थोड़ा योगा प्राणायाम नहीं करते तो फफूंद लगेगी नहीं फेफड़े में, तो क्या हो जाएगा? दमा। सिगरेट पीते हो, दमा हो जाएगा। अरे पीते नहीं हो, मतलब बता रहा हूँ कि सिगरेट पीते हो तो क्या होगा, धुआं अंदर जाएगा, धीरे धीरे वो बासी होकर फफूंद लग जाएगी, क्या हो जाएगा? दमा की बीमारी हो सकती है। धूल मिट्टी में खूब काम कर रहे हो, वो अंदर चला गया सांस लेते तब क्या होगा, दमा हो गया, फिर दाद हो जाएगा, रिंग वॉर्म हो गया, खाज खुजली हो जाएगी, फिर एथलीट फुट क्या हो जाती है, बीमारी ये भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एथलीट फुट। ये अक्सर होती है तुम लोगों को, अभी बताएंगे कैसे होती है और ये किसको प्रभावित करती है, त्वचा को। किसको प्रभावित करती है, त्वचा को प्रभावित करती है, ध्यान रखना कि किसको प्रभावित करती है, हमारी त्वचा को, ठीक है। अब यहां तक तो समझ में आ गया, ये एक नई चीज निकल कर आई ना, पहली बार सुना ना एथलीट फुट। जब भी आप पानी में काम करते हो बहुत देर तक, आपने देखा होगा उंगलियों के बीच में पैर वाली, आप पानी में खड़े खड़े ज्यादा काम करोगे तो यहाँ पर सड़ने लगती है इसके कि बीच में, कभी कभी हाथ में भी होता है, मतलब दाना टाइप का निकलेगा, फिर जैसे ही खुजला दिया वो पूरी स्किन क्या होगी, पीली पड़ जाएगी, सफेद पड़ जाती है एकदम। इसी को बोलते हैं एथलीट फुट। वो भी क्या होती है, जब पानी में आप काम करते हो तो इन जगहों पर क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होती है। ये भी बहुत गंभीर होती है, खुजलाते खुजलाते बहुत घाव कर देती है, ऐसा हो जाता है कि बाद में आपके काटने पड़ जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया एथलीट फुट का मतलब क्या हो गया, ये स्किन की चमड़ी को त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, कैसे, जब हम ज्यादा पानी में काम करते हैं जिसकी वजह से हमको फफूंद लग जाती है इन जगहों पर, पैर पे उंगलियों में, तो वो क्या हो जाती है, एथलीट फुट उस बीमारी का नाम है। समझ में आ गया, गंजा दमाद खाए फ्रूट, कैसे याद रखेंगे, गंजा मतलब फफूंद लग गई तो बाल तो क्या हो जाओगे, अकले हो जाओगे, गंजे हो जाओगे, गंजापन भी एक बीमारी है, ठीक है। फिर दा से दमा हो जाएगा, फेफड़े में फफूंद लग गई तो दमा हो गया, फिर दा से दाद हो गया, खा से खाज खुजली हो गया, और एथलीट फुट। ये फू से फुट याद रखना, ठीक है, फ्रूट से क्या याद रखना, फुट, एथलीट आगे याद करना, ठीक है, क्लियर हो गया अपनी चीज। अब तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग या जिसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं वो चैप्टर क्लोज, इसको कायदे से पढ़ेंगे, यहीं तक तुम्हारे पेपर में जो तुम्हारा कल या मंडे को होगा सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, इन्हीं के बीच से क्वेश्चन आएंगे। और ये सारी बीमारियों को अपने घर में क्या करना है, डिस्कशन करना है, रिविजन करना है, एक दूसरे से डिस्कस कर लेना, समझ में आया, क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है, इसको अगली क्लास में पढ़ा देंगे, 10-15 मिनट की क्लास चलेगी, खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे रोग हैं नॉन कम्युनिकेबल या गैर संचारी रोग जो एक व्यक्ति को हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी है, क्वासी यॉर्कर बीमारी है, ये कैसे होती है, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, इसकी वजह से, अब मुझे क्वासी यॉर्कर हो गया तो मैं किसी के साथ सोऊं खाऊं उठूं बैठूं कुछ भी करूं उसको वो बीमारी नहीं हो सकती है, चाहे मेरा खून उसके में चढ़ा दिया जाए कुछ भी किया जाए बट उसको वो बीमारी नहीं होगी। तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, गैर संचारी रोग, ठीक है। फिर दूसरी होगी जैसे मैरास्मस, किसकी क्या बोलते हैं, मैरास्मस, ये भी प्रोटीन की कमी से होती है, ये भी किसकी कमी से, प्रोटीन या कैलोरी की कमी से, मतलब आप एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ऊर्जा ही नहीं है, एक ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें कोई कैलोरी नहीं है, क्या होगा आपको वो बीमारी हो जाएगी, और चेहरा बंदर की जैसा हो जाता है, इसमें चेहरा कैसा हो जाता है, बंदर के जैसा हो जाता है। ये बीमारी के लक्षण पहचानने का क्या है तरीका है, उसका चेहरा फूल जाएगा एकदम बंदर, बच्चों को देखा होगा अक्सर। फिर रतौंधी, विटामिन किसकी कमी से है, विटामिन ए, हाँ सही, किस, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको, क्या नाइट ब्लाइंड, इसको हम पढ़े।